गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए अगर आपके क्रोटन प्लांट में भी इस तरीके की अगर फलियां बन रही हैं तो आप इससे सीड बनने का लालच ना बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बहुत कम चांस है इसमें से सीड बन के और सीड से अपन इसको प्रोपेगेट कर सकें, बहुत कम। यूँ तो नेचर है, कुछ भी पॉसिबल है ना, बाकी ये इसकी ग्रोथ को रोकता है। देखो मैंने और सारी फलियां इन्हों में जगह जगह यहाँ आ रही थी इधर आ रही थी, सब जगह से मैंने इनको हटा दिया है। मैंने आपको दिखाने के लिए बस एक ये छोड़ी थी, ये देखो। और अगर कोई प्रैक्टिकल करके देखना भी चाह रहे हैं ना तो एक रख लो, जैसे मैंने ये छोड़ रखी है, मैं भी देखना चाहती हूँ ये है ना। बाकी मैंने सारी हटा दी हूँ, मैं इस वाली को भी अभी हटा दूँगी तो फिर ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वरना इसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे ही इसका है, देखो ये कोलियस की लगी हुई है, इसको अपन यहाँ से इसको पिंच कर देंगे ना तो ये सही रहेगा, वरना इसमें सीड बनने लगता है तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ रोक लेता है कोई भी प्लांट, इसलिए प्लांट से सीड को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी प्लांट पे नहीं छोड़ती, देखो कोलियस पैसे भी ये रहा, ये सारे इस तरीके से इनको पिंच करते रहें तो इससे और ब्रांच बढ़ जाएंगी इसकी यहाँ। और अगर हमने इसको छोड़ा और ये बीज परिपक्व होगा ना इस पे ही, तो फिर ये प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, वो दूसरे फॉर्मेशन में लग जाता है, इसलिए इनको हटाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।